काफ़ी ज़बरदस्त। बहुत से लोग मजाक उड़ाते थे यूपी में कानपुर वाले देहाती भाषा में बोलकर कि भाई यदि यूपी में मेट्रो चलेगी तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। तो अभी मैं कानपुर में हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कानपुर में मेट्रो जो स्टार्ट हो गई है वहाँ की क्या हालत है और उसका क्या एक्सपीरियंस मिलता है। कानपुर मेट्रो का ये वाला लोगो है और कुछ इस तरीके की टिकट मिलती है। अभी ये लेफ्ट साइड में चल रही है कनेक्ट होकर, ठीक है, और स्टेशन पर अभी ये राइट साइड में हो जाएगी। कि भाई यहाँ पर लाइट तो ऊपर पोल्स वगैरह तो है नहीं, लाइट मिलती कहाँ से है मेट्रो में। यहाँ पर अभी सामने दिखाई दे रही है मेट्रो लाइन है, विश्वविद्यालय, ये मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है यार, यहाँ पर लाइट तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही है, यानी कि वायर नहीं दिख रहे हैं करंट वाले जिससे मेट्रो चलती है, लेकिन मेट्रो चल रही है। छोटे छोटे घर और बगल में मेट्रो निकल कर जा रही है, कितना डेवलपमेंट अब हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई यूपी वाले किसी से कम नहीं है। अपने कानपुर की मेट्रो देखते हैं, देखो साफ सफाई, यहाँ का स्ट्रक्चर देखो, क्या डेवलपमेंट है यार, कितना ज़बरदस्त, कितना साफ़ सुथरा यहाँ पर बना के रखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। देखकर भाई मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया कि भाई अपना यूपी, अपना कानपुर जो है तरक्की कर रहा है। तो भाई उस साइड वाली मेट्रो तो आ गई है, लेकिन इसमें डब्बे जो हैं तीन ही हैं, तीन कोच हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, स्टेशन छोटे छोटे बनाए गए हैं, ठीक है। अब बहुत कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया होगा। तीन डिब्बे वाली ये देखिए ट्रेन है, वैसे अपने दिल्ली में जो है 6-7-8 डब्बे चलते हैं, यहाँ पर तीन ही हैं, 1-2 हाँ तीन ही है यार, मुझे लगा कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन भाई एक चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है, नया जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बेहतर है, नीट एंड क्लीन है, काफ़ी ज़बरदस्त यार। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि यार यहाँ पर उन्होंने करंट कैसे दिया है नीचे, यहाँ पर करंट का देखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ तो हो गया वेलकम और पूरी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिले हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मोबाइल चार्जिंग बोर्ड दोनों साइड में है, इधर भी है और इधर भी, ये अपग्रेड किया गया है और डिस्प्ले यहाँ पर भी मिलती है, और डिस्प्ले जो है यहाँ पर भी ऊपर दी गई है, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है, चार्जर लेकर मत आइए, केबल लेकर आइए, यूएसबी ए चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है सभी सीट्स पर, यहाँ पर भी है। मतलब इमरजेंसी के लिए इतना बहुत है, रेगुलर कौन ही चार्ज करता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए काफ़ी बेहतर है। पहले जो दिल्ली की मेट्रोज वगैरह हैं उनमें केबल और केबल वहीं पर साइड में दिए होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, चीज़ें जो हैं अपडेट हो रही हैं, तो यूपी की जो कानपुर वाली मेट्रो है वो अब बहुत ज़्यादा एडवांस है। आई थिंक करंट जो है वो इसी लाइन में से ये लोग लेते हैं, ऊपर जो सिस्टम था वो पूरा बंद कर दिया गया है, डीसी वाला सिस्टम कर दिया गया। ये देखो करंट इसमें है येलो वाली लाइन में, नहीं येलो क्या मैकेनिज्म सेट करके रखा हुआ है इन्होंने, अभी मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानकर जरूर रहूँगा। अभी मैं इस वाली लाइन पर हूँ, ऑरेंज लाइन पर हूँ, ये जा रही है आईआईटी कानपुर से मोती झील तक, अभी चालू हुई है। चलो भाई बढ़िया है, कितना ज़बरदस्त है ना यार, देखो मकान छोटे छोटे और खेत पीछे हैं, और यार कितना अच्छा लग रहा है यार। खैर दिल्ली और मुंबई जैसी बड़ी सिटी हैं वहाँ पर तो ये चीज़ें आम बात है, लेकिन यहाँ पर देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे घर और बगल में मेट्रो निकल कर जा रही है, कितना डेवलपमेंट अब हो रहा है। तो भैया मैंने कानपुर की मेट्रो में यात्रा कर ली है, रावतपुर में उतर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका भी, और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की हो गई है अपनी यूपी की मेट्रो, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर गार्ड हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं पूछूँगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर लाइट तो ऊपर पोल्स वगैरह तो है नहीं, लाइट मिलती कहाँ से है मेट्रो में। ये मैं लाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये जो येलो वाली लाइन है वो देखिए स्टेशन पर ये सेंटर में दी गई है, लेकिन जो मेट्रो आती है वो देखिए उधर से आ रही है मेट्रो, वो साइड में दे रखी है, ठीक है, वहाँ से कट हो जाएगा, देखना ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये लगी हुई है लाइन, ये देखो ज़्यादा डीपली मुझे भी नहीं बताया, लेकिन यहाँ से देखिए करंट यहाँ से जा रहा है प्रॉपर, ये देखिएगा
यहाँ से ये करंट जा रहा है अंदर, ये देखिए। तो मेरे हिसाब से भाई मेंटेनेंस का भी खर्चा कम हो रहा है और इसी के साथ साथ सेफ्टी भी है। प्रॉपर पोल्स वगैरह लगाओ, ठीक है, उनका मेंटेनेंस करो, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा देखिए, यहाँ से ये अटैच है और अपनी मेट्रो जो है चली गई। और उस साइड में भी है, जैसे ये मेट्रो जो है क्रॉस कर जाएगी साइड में, वैसे ही उस साइड में कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से ये निकल गई, ये देखिए उधर कनेक्ट हो गई। जैसे कि मैं आपको इसका दिखाता हूँ, यहाँ से भी एक मेट्रो आ रही है, आ जाने देते हैं। अभी ये लेफ्ट साइड में चल रही है कनेक्ट होकर, ठीक है, और स्टेशन पर अभी ये राइट साइड में हो जाएगी। ये देखना, ये देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कानपुर मेट्रो में। मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर रहा, बहुत मज़ा आया भाई। सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस लेवल पर आ चुकी है।